हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो पे ना वन ऑफ द मोस्ट चीप लिपस्टिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चीप बोलना सही नहीं है, मोस्ट अफोर्डेबल बोलना चाहिए। एंड यस, आप लोगों ने कभी सुना है एक एक लिपस्टिक का प्राइस बस 29 रुपीज? यस, विथ डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज आप लोगों को अलग से देना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कोई मतलब लोकल ब्रांड है, ये एक अच्छा खासा इंडियन ब्रांड है। सो यस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पे मैं इन दिस आर्टिफिशियल लाइट एंड ऑल्सो डे लाइट पे विथ एंड विदाउट मेकअप स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ। एंड लिपस्टिक्स, ये सारे लिपस्टिक्स क्या आप लोग सच में ट्राई कर सकते हो, क्या सच में अच्छा है, उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। सो यस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द इंट्रो। पता लग ही गया है, आज के वीडियो पे हम लोग न्यूली लॉन्च ब्लू हेवन के ये मैट लव लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेटिंग मिनी लिपस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ऐसा एक पैकेट पे आता है। आप लोग शायद सिंगल खरीद नहीं सकते हो ऑनलाइन, बट आप लोग अगर ऑफलाइन आप लोगों के नियर स्टोर पे अगर आप लोगों को ब्लू हेवन का लिपस्टिक्स मिलता है, ब्लू हेवन ब्रांड का, तो आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस पे एक्चुअली पैक ऑफ 10 पे आता है, तो आप लोग सिंगल अगर आप लोग को खरीदना है मिनी लिपस्टिक, तो आप लोग लोकल शॉप पे देख सकते हो, शायद आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये तो है आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग। लेट मी जस्ट शो यू द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग फर्स्ट। आप लोग देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल सा पैकेजिंग है। पैकेजिंग के बैक साइड पे सारी डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। ई डिटेल्स फॉर 399, बट मैंने एक कोड यूज किया है, उसके वजह से मुझे डिस्काउंट मिल गया था, 299 रुपीज पे मुझे मिल गया था विथ शिपिंग चार्ज। सो यस, एक एक लिपस्टिक का प्राइस मुझे बस 29 रुपीज देना पड़ा, जो कि काफ़ी एक स्टील डील है। एंड शेल्फ लाइफ की बात करें तो इट हैज शेल्फ लाइफ ऑफ 24 मंथ्स, विच इज़ क्वाइट स्टैंडर्ड मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग को 29 रुपीज पे एक एक लिपस्टिक मिल रहा है, आप लोग और क्या चाहते हो। एंड इंग्रेडिएंट्स की आप लोग को अगर देखना इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो आप लोग यहाँ पे बैक साइड पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे आप लोग को अप क्लोज पे दिखा देती हूँ। ओके, सो ये तो रहा आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग की बात। अभी अगर इनर पैकेजिंग आप लोग को दिखाऊँ, काफ़ी क्यूट सा एक पैकेजिंग में आता है। ये है पैक ऑफ 10 लिपस्टिक, ऐसे एक प्लास्टिक के बॉक्स पे आता है एंड काफ़ी अच्छा है। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे इनर पैकेजिंग पे कहीं पे भी वो मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं किया हुआ है। दीज आर द पैक ऑफ 10 लिपस्टिक, और यहाँ पे उन्होंने तीनों रेंज को एक साथ लिया है, लाइक ब्राउन शेड रेंज, ब्राउन इट हैज ब्राउन शेड रेंज, पिंक शेड रेंज एंड ऑल्सो रेड शेड रेंज। एंड करेंटली आई एम वेयरिंग वन ऑफ द शेड फ्रॉम द रेड शेड रेंज, फ्रॉम द रेड फैमिली, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड। आप लोग देख सकते हो द फिनिश इज क्रीमी मैट, इट्स नॉट कम्प्लीटली मैट बिकॉज इस पर थोड़ा सा शाइन आप लोग को दिख रहा है। एंड अगर कम्फर्टेबल की बात करें, येस दीज आर एक्चुअली रियली कम्फर्टेबल। एंड अभी मैं आप लोग को इनर पैकेजिंग और थोड़ा अप क्लोज पे दिखाती हूँ। द लिपस्टिक्स आर लाइक दिस, आप लोग देख सकते हो काफ़ी छोटू सा है, मतलब एक फिंगर से भी कम है ना। दीज आर एक्चुअली मिनी लिपस्टिक एंड आप लोग देख सकते हो दीज लिपस्टिक्स आर एक्चुअली क्वाइट हाइड्रेटिंग एज दे हैव क्लेम्ड। एंड व्हेन यू ओपन इट, वाओ, देख सकते हो इट इज फ्रॉम द ब्राउन फैमिली। ब्राउन फैमिली मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पे सामने की तरफ छोटे छोटे जो ब्राउन फैमिली के लिपस्टिक है वहाँ पे लिखा है BO, जो पिंक फैमिली के हैं उसके आगे यहाँ पे छोटे छोटे मतलब प्रिंट है PM, और जो रेड फैमिली के हैं वहाँ पे लिखा है RM। सो इसी से मुझे पता लगा है। एंड आप लोग देख सकते हो मतलब क्वांटिटी काफ़ी कम है, 29 रुपीज़ पे आप लोग को मिले है, आप लोग और क्या चाहते हो। एंड आप लोग देख सकते हो दिस इज़ द बुलेट लिपस्टिक एंड पिगमेंटेशन इज एक्चुअली रियली गुड, मतलब काफ़ी स्मूथ पिगमेंटेशन है। ब्लू हेवन का मैंने पहले बहुत सारे लिपस्टिक ट्राई किया है, बुलेट लिपस्टिक मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था जो मैट लिपस्टिक थे, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच पिगमेंटेड। वन स्वाइप पिगमेंटेशन नहीं मिला था मुझे, बट इस पर वन स्वाइप पिगमेंटेशन मुझे मिला है। द फॉर्मूला इज क्रीमी मैट, लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड एक थोड़ा सा हल्का सा शाइन इफेक्ट आता है, इसीलिए मतलब उतना भी शाइन नहीं, मैट है, द फॉर्मूला इज मैट बट क्रीमी मैट ऐसा।
बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ स्वाचेस इन दिस आर्टिफिशियल लाइट एंड ऑल्सो इन द डे लाइट, उसके बाद इसका प्रोस एंड कॉन्स भी बताने वाली हूँ एंड उसके साथ साथ क्या है ट्रांसफर प्रूफ है, क्या है वाटर प्रूफ है एंड कितने देर तक सच में ये लॉन्ग लास्टिंग किया है वो मैंने टेस्ट आउट किया है, उसका भी रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ।
स्वॉचेस देख लिया, आई होप यू हैव गॉट द क्लियर आइडिया कि शेयर्स कैसा है। अभी मैं आप लोगों को अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर प्रूफ की दिखाऊं, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों पे कुछ नहीं है। यस दिस ट्रांसफर्स अ लॉट, मतलब ट्रांसफर होने के बाद भी मेरे लिस्ट पे रह जा रहा है। बट आप लोग इसको ट्रांसफर प्रूफ बना सकते हो। कैसे? आप लोग को इसको ऊपर एक ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करना है अच्छे से, जैसे कोई भी क्रीमी मैट लिपस्टिक को मैट एंड ट्रांसफर प्रूफ बनाते हैं, वैसे ही आप लोग इसको ट्रांसफर प्रूफ बना सकते हो। बट 29 रुपीज पे आप लोग उतना ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? बिकॉज दिस लिपस्टिक्स आर एक्चुअली एंड दे हैव नॉट क्लेम दैट इट विल बी ट्रांसफर प्रूफ और एनीथिंग। दे जस्ट टोल्ड अस कि इट विल बी वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी कम्फर्टिंग फॉर्मूला, कम्फर्टेबल फॉर्मूला एंड दीज आर मिनी मैट लिपस्टिक, दैट्स इट। एंड यस द लिपस्टिक्स आर एक्चुअली रियली गुड। अभी अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात करें, ओ माई गॉड दीज आर एक्चुअली प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था एक 29 रुपीज का लिपस्टिक इतना देर तक लॉन्ग लास्टिंग करेगा, जो कि हाई एंड ब्रांड का अच्छे अच्छे लिपस्टिक भी इतना देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं किया। मैंने इसको पहन के टिफिन किया, फिर डिनर खाया, उसके बाद कितना मतलब स्टे किया मेरे लिप्स पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मतलब मिडिल ऑफ द लिप्स से बस थोड़ा बहुत ट्रांसफर हुआ था, बट इट स्टेड, ओ माई गॉड, सो 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 मच लॉन्गर देन अदर लिपस्टिक्स। एंड मतलब 29 रुपीज के लिए मैं बोल सकती हूँ दिस इज अ बॉम्ब प्रोडक्ट। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ट्रांसफर प्रूफ होगा। सो येस इट इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ, ऑल्सो इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ। एंड आप लोग अगर कॉफ़ी पीते हो वाइट कप से तो एकदम ट्रांसफर हो जाएगा, बट दीज आर एक्चुअली प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग। एंड अभी मैं आप लोग को एक एक करके प्रोस बताऊंगी। तो प्रोस पे पहली बात तो है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, ओ माई गॉड दीज आर एक्चुअली सुपर अफोर्डेबल एंड द प्राइस पॉइंट इज एक्चुअली रियली गुड। मुझे लगता है अगर कोई भी बच्चे को या फिर टीनेजर जो होते हैं उन लोगों को, मतलब जो लोग बस टीनेज ईयर्स पे पहली बार कदम रखे हैं उन लोगों के लिए लिपस्टिक पहनने का शौक होता है, तो आप लोग इजीली इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक लोकल ब्रांड नहीं है, ब्लू हेवन है। ब्लू हेवन इट्स अ रिनाउंड इंडियन ब्रांड। तो यस आप लोग निश्चिंत होकर यह ट्राई कर सकते हो 29 रुपीज वाला लिपस्टिक। सो यस फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस पॉइंट, द प्राइस इज एक्चुअली रियली गुड। सेकेंड ऑफ ऑल शेड रेंज, मुझे शेड्स काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज इस पर इन्होंने बोला है ब्राउन, पिंक एंड रेड फैमिली, बट ब्राउन पे आप लोग को ब्राउन न्यूड भी मिलता है एंड पिंक फैमिली में आप लोग को पिंक न्यूड भी मिलता है। मतलब इन्होंने इस जो 10 शेड्स है, ये 10 शेड्स पे बहुत सारे ब्यूटीफुल शेड्स को मतलब रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग है। मुझे लगता है सारी इंडियन स्किन टोन को अच्छे से सूट करने वाला है। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से इस शेड रेंज पे से अच्छा खासा शेड पा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। शेड रेंज इज एक्चुअली रियली गुड। मतलब जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो लोग इतने लिपस्टिक लॉन्च करते फिर भी अच्छा खासा शेड नहीं मिलता है, आई डोंट नो। सो यस द शेड रेंज इज एक्चुअली गुड। मुझे पैकेजिंग 29 रुपीज के हिसाब से मैं बोलूंगी ठीक ठाक है। द पैकेजिंग इज नॉट सो मच टफ कि आप लोग इसको कैरी करोगे तो ये खोलने का चांसेस है, बट आप लोग इस पे भी क्या कर सकते हो 29 रुपीज पे। 29 रुपीज के हिसाब से पैकेजिंग इज गुड, क्वांटिटी भी अच्छा है एंड ऑल्सो दीज आर प्रीटी लॉन्ग लास्टिंग। एंड ऑल्सो प्रोस पे और एक जो पॉइंट आता है वो है कम्फर्ट। दीज आर सो कम्फर्टेबल, लिप्स के ऊपर इतना ज्यादा कम्फर्ट फील होता है ना, बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है। फिनिश भी मुझे अच्छा लगा एंड ऑल्सो द पिगमेंटेशन इज एक्चुअली रियली गुड, विच इज रियली अमेजिंग। अभी अगर कॉन की बात करें, कॉन पे मुझे एक ही चीज लगा, वो है दीज आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ एंड आई कांट एक्सपेक्ट द ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक एट जस्ट 29 रुपीज, राइट? सो यस मैं मतलब कॉन इसको बोलना नहीं चाहिए, इसलिए आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग। दिस लिपस्टिक्स आर एक्चुअली रियली गुड एंड आप लोग को अगर एक अफोर्डेबल रेंज पे या फिर आप लोग को अगर बहुत सारे लिपस्टिक का शेड चाहिए एंड आप लोग उतना सारा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस सेट। इस पे आप लोग को बहुत सारे शेड्स, अच्छे अच्छे शेड्स मिल जाएंगे एंड आप लोग इजीली इसको ट्राई कर सकते हो। एंड ये मैंने पर्पल से परचेस किया है, मुझे दूसरे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं मिला है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड आप लोगों को फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो।
एंड मैंने ट्राई किया है कि शेड्स को क्लैरिटी, मतलब शेड्स कैसा है उसका क्लैरिटी देने के लिए, एंड फिर भी आप लोग को कन्फ्यूजन है आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो गाइस, अगर फाइनल रेटिंग की बात करें तो आई विल रेट दिस लिपस्टिक्स 4.5 out of 5 बिकॉज दिस आर एक्चुअली रियली क्यूट एंड रियली अमेजिंग। ब्लू हेवन का ही पॉसिबल है कि इतना अफोर्डेबल रेंज पे इतने अच्छे अच्छे मतलब लिपस्टिक्स निकालना, है ना। शायद ब्लू हेवन ये पॉसिबल कर सकते हैं, ब्लू हेवन, स्विस ब्यूटी एंड मार्स कॉस्मेटिक्स। सो यस, आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड एंड वुड आई सजेस्ट दिस। येस डेफिनेटली, आप लोगों का अगर बहुत सारे लिपस्टिक का शौक है, बहुत सारे शेड्स का, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। डोंट एक्सपेक्ट दैट मच बिकॉज आप लोग को ये दिमाग में ध्यान रखना होगा कि आप लोग का एक एक लिपस्टिक्स 29 rupees पे मिल रहा है, तो उस हिसाब से जज करके ही मतलब खरीदना। एंड ऑल्सो आप लोगों को फिर भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। एंड गाइस, इफ आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन जस्ट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, सो दैट वेन एवर आई विल पोस्ट न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड ओपिनियन एंड क्या आप लोग ये बाय करोगे। सो यस गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।